अस्सलाम वालेकुम डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूं अकबल खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के ऑफिस में। सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करने वाली खबरें कि बच्चों की किडनैपिंग, इसके अलावा मोबाइल स्नैचिंग, कुछ ग्रोह जो पंजाब में दाखिल हुए हैं, इसकी असल हकीकत क्या है, उस हकीकत को जानने के लिए हम आपको लेके चलते हैं जनाब इन्वेस्टिगेशन के डीआईजी अतर इस्माइल साहब के पास। आइए चलिए हमारे साथ। सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म है के बच्चों को किडनैपिंग, उसके अलावा स्नैचिंग, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? लोगों ने बहुत ज़्यादा इसका क्या सराहियाँ बनाई, आपका क्या इसके बारे में क्या? ऐसी जो अफवाहें हैं, मेरी तो गुजारिश है कि इस पर बिल्कुल कान ना धरें। लाहौर में कोई ऐसा गैंग, कोई मनज़म गैंग नहीं है कि जो बच्चों को अगवा कर रहा है, तो ये सरासर एक अफवाह है और इस पर खामखा लोग उस पर कान ना धरें। इससे खामखा एक पैनिक फैलता है मुआशरे में। यूँ इसका एनालिसिस कर लिया जाए कि पूरे साल में कितने बच्चे अगवा हुए, कितने मुकदमात दर्ज हुए और उसमें कितने आए, और इसी तरह अगर हम पिछले साल के साथ भी इसका कंपैरिजन करें तो हमारे पास वो स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं। इसमें कोई अबनॉर्मेलिटी नहीं है। अच्छा सर, इस मंथ के अंदर, ये जो इससे लास्ट मंथ गुजरा जिसमें ये अफवाहों का बाजार बहुत ज़्यादा गर्म हुआ है, उसमें कितने मुकदमे आपकी नज़र से गुजरे हैं? देखिए, मैं आपको दो चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये जो सितंबर का महीना गुजरा है इस साल और पिछले साल सितंबर में, तो पिछले साल सितंबर में बच्चों के अगवा के केसेस 95 दर्ज हुए थे और इस साल सितंबर के महीने में 96 दर्ज हुए हैं। अब बच्चों का जो अगवा है वो अगवा की एक दफ़ा है, एक सेक्शन ऑफ लॉ है पाकिस्तान पिनल कोड में जिसके तहत हमने पर्चा दर्ज करना होता है। जो ही बच्चा गुमशुदगी की इतला आती है तो फौरन हम उसको FIR उसकी दर्ज करते हैं, तो वो कहने को तो अगवा है। लेकिन अगर पिछले पूरे साल का हम एक एनालिसिस करें तो पूरे साल में 732 FIR दर्ज हुई जिसमें मुख्तलिफ जगहों से बच्चे गायब हुए। उन 732 में से 577 बच्चे वो फौरन वापस आ गए और वो FIR हमने कैंसिल कर दी। अच्छा सर, ये जो स्ट्रीट क्राइम या मोबाइल स्नैचिंग, इससे रिलेटेड भी कुछ मुकदमात के बारे में 2022 में ये आपकी नज़र से कितने गुजरे? देखें, ये तो स्ट्रीट क्राइम्स की मुख्तलिफ जिस तरह मैंने 363 बच्चों के अगवा के हवाले से जो पाकिस्तान पिनल कोड की एक दफ़ा का जिक्र किया, इसी तरह स्ट्रीट क्राइम में भी मुख्तलिफ इसकी नौइयत है। कुछ 392 में, कुछ 395 में, कुछ ये जो ख़वातीन के पर्स और छीना झपटी या किसी की कोई जेब कतरे ने जेब से कोई चीज़ें निकाल ली, तो ये केसेस हैं। इसमें कोई अबनॉर्मेलिटी नहीं है। लाहौर पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह इसको बड़ा अच्छे तरीके से इन तमाम जो तख़रीब कार अनासर हैं उनका मुहासबा किए हुए है, और हीनियस क्राइम जो है वो हमारे लिए ज़्यादा परेशान कन होता है। उसमें पिछले दो महीनों का हमने एनालिसिस किया, पिछले दिनों जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो CCPO लाहौर ने भी सारे जो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदगान हैं उनके सामने रखे, तो वो कोई 12% उसमें कमी हुई है। सर, सब्ज रहे, शादाब रहे पाकिस्तान। पंजाब पुलिस इस वक्त लाहौर के अमन को बरकरार रखने के लिए पुरअमन है। इसी के साथ हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अकमल ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हम दोबारा हाज़िर होंगे, अल्लाह ने के बाद।